Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Teşekkür ederim. Çok tarih. We are studying chapter number 7. The topic of today is photosynthesis. The topic of today is photosynthesis. आज हमारा जो उन्वान है जो आप हम पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जो पौधों में होता है। फोटोसिंथेसिस का अमल कौन से जानवरों में होता है? प्लांट्स में, पौधों में। तो पहले आप ये समझ लें कि फोटोसिंथेसिस का मायने क्या है, मतलब क्या। फोटो मीन लाइट, फोटो मीन लाइट, इसका मतलब है रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब है टू मेक, बनाना। सूरज भी रोशनी की मौजूदगी में बनाना, ये फोटोसिंथेसिस का मतलब है। तो पहले हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस की तारीफ क्या है, फोटोसिंथेसिस का क्या मतलब है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये है के पौधे दिन के वक्त सूरज की रोशनी क्लोरोफिल की मौजूदगी में जमीन से पानी हासिल करके, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करके ग्लूकोज बनाते हैं, खुराक बनाते हैं, ग्लूकोज बनता है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस इजाफी तौर पे खारिज होती है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसमें पौधे दिन के वक्त सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी हासिल करके खुराक तैयार करते हैं और ऑक्सीजन गैस इजाफी हासिल होती है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच plants get carbon dioxide from the air and water from the soil in the presence of sunlight and chlorophyll, prepare their food, glucose, and oxygen gas is released as the by product. ये वो अमल है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी क्लोरोफिल की मौजूदगी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी हासिल करके ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन गैस बाई प्रोडक्ट पे। ये है इसकी तारीफ। तारीफ क्या हो गई? फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, getting carbon dioxide from the air and water from the soil, they prepare glucose and oxygen gas released as byproduct. Now, we write an equation for this process. Photosynthesis की equation हम लिखते हैं, तो पहली चीज है वो है CO2, carbon dioxide from the air plus H2O, water from the soil, ये दो चीजें पौधे हासिल करते हैं, दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन ऐसे नहीं होता, बल्कि यहां क्या होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में पौधे क्या करते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जमीन से पानी लेके क्या बनाते हैं, क्या चीज बनती है, ग्लूकोज C6H12O6। ये ग्लूकोज, ये खुराक है, फूड है, ग्लूकोज ये बनता है। और इसके साथ साथ प्लस O2 ऑक्सीजन गैस जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होती है और H2O वाटर क्लियर होगी इन द फॉर्म ऑफ एच2O। ये जो है ये केमिकल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस।
For instance, if one man is to cause the death kebab, so he will be able to do it. If they have a carbon dioxide, Jamin is a carbon dioxide, glucose bante, oxygen gas, is that the release of that here? The equation I see, this is the equation for the process of photosynthesis. You see your from the actual, from the sun, in the presence of sunlight, your chlorophyll, glucose form, oxygen gas produce and byproduct. अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O कैसे इनटेक करते हैं। हाउ द प्लांट इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा से कैसे लेते हैं, पानी कैसे जनरेट करते हैं, और कहां ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते हैं पौधे में और फिर फोटोसिंथेसिस का अमल। पौधे जो है प्लांट्स वो अपनी जड़ों रूट्स और रूट्स हेयर की मदद से क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सन, जमीन से पानी को जज़ब करते हैं, पानी को जमीन से जज़ब करते हैं पौधे किसके जरिए, जड़ों और जड़ों के साथ जो छोटे छोटे बाग होते हैं उनके जरिए पानी जज़ब करते हैं। ये पानी जब जड़ों में आता है उसमें आता है वाटर, तो वहां जाइलम टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू इस पानी को लेके ऊपर पत्तों तक पहुंचा देते हैं। पत्तों के अंदर जो मेसोफिल सेल है उनके जो एक जगह खाली है सेल्स के दरमियान जगह खाली है वहां भी पानी पहुंच जाता है, पानी इनटेक हो गया। अब दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, जब जब पौधे जो है पौधों, आपको पता है कि पौधों के जो पत्ते हैं उनमें न्यूक्लियस स्टोमेटा होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा छोटे छोटे सुराखों कहते हैं जो पत्तों के डर्मस में होते हैं। तो ये स्टोमेटा के जरिए, ये सुराख जो के जरिए हवा पौधे के पत्ते में दाखिल होती है और वो भी मेसोफिल के गिर जो जगह होती है, मेसोफिल सेल के गिर जो स्पेस है वहां में हवा पहुंचती है। अब वहां जब हवा पहुंचती है तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड किधर होती है हवा में, एयर कैरी CO2 विच गेट अब्सॉर्ब इन द थिन लेयर ऑफ वाटर सराउंडिंग मेसोफिल सेल। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है वो जो पानी मेसोफिल सेल के गिर जमा है ये उसमें डिजॉल्व हो जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उस पानी के साथ मिल जाती है। फ्रॉम हियर द कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू मेसोफिल सेल, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल के अंदर चली जाती है और मेसोफिल सेल के अंदर फिर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। तो दोनों चीजें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मेसोफिल सेल में पहुंच गए। अब उसके बाद वहां क्लोरोफिल होगा, सनलाइट होगी, ग्लूकोज बन जाए। तो यह है जी आपका फोटोसिंथेसिस के बारे में चंद अहम पॉइंट्स है जो मैंने आपको बता दी। पहली बार फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या, फोटो मीन लाइट, सेंसिटिव टू मेल सेल की डेफिनेशन क्या, द प्रोसेस इज दैट प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय अब्सॉर्बिंग गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रिज्म ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे प्रिपेयर ग्लूकोज व्हिच इज फूड। ये डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट बार इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, पानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्लस H2O फ्रॉम द सॉइल इन द प्रिज्म ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ग्लूकोज इज फॉर्मड एंड ऑक्सीजन गैस रिलीज एज बाय प्रोडक्ट। अब उसके बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे अब्सॉर्ब करते हैं पौधे इन टाइप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हवा में होती है और पानी जो है जमीन से, तो जमीन से कैसे, पौधे की जड़ें जमीन में होती हैं, जड़ें पानी को अब्सॉर्ब करती हैं, रूट हेयर जो होते हैं वो भी करते हैं, ये पानी जाइलम टिश्यू के जरिए ऊपर पत्तों में जाता है, वहां मेसोफिल सेल जो पत्ते के अंदर मेसोफिल सेल उनके लिए जमा हो जाता है, हवा से फिजा से जो है वो हवा दाखिल होती है पौधे के जो पत्तों में बैठा होते हैं सुराख होते हैं उनके जरिए हवा पत्ते के अंदर दाखिल होती है, और ये हवा जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड इस पानी के साथ डिफ्यूज होकर मेसोफिल सेल के अंदर चली जाती है और वहां फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अब हम
दो चीजें और करते हैं, एक है यानी पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म में जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, इसमें दो रिएक्शन होते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म में हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे। नंबर वन, पहली रिएक्शन जो होती है फोटोसिंथेसिस के लिए पहली है, उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और दूसरी जो है उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है डार्क लाइट रिएक्शन जो है, ये रोशनी की मौजूदगी में होती है और ये रोशनी के बगैर होती है, डार्क अंधेरा यानी रोशनी नहीं होती। लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। फोटोसिंथेसिस का अमल जो है ये दो प्रोसेस में होता है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस अकर टू फेसेस, इन टू फेसेस, इन फर्स्ट फेज द लाइट रिएक्शन, इन द फर्स्ट फेज विच इज लाइट रिएक्शन एनर्जी इज यूज्ड, energy is captured and used to make high energy molecule. In the first phase, light energy is captured and used to make high energy molecule. Energy used to make high energy molecule, high energy molecules बनाने में इस्तेमाल होते हैं। Energy captured and used to make high energy molecule. हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कौन से हैं, ए टी पी एंड दूसरा एन ए डी पी एच। इन फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी is captured and used to make high energy molecules, and those high energy molecules are ATP and ADP. So these are called these reactions which are known as the light reaction. तो ये रिएक्शन जो है ये लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। तो जो फर्स्ट फेज है फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म का फर्स्ट फेज, उसमें ये लाइट एनर्जी के जरिए ये मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, लिहाजा इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। उसी बात ये लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ होती है, लाइट रिएक्शन टेक प्लेस, light reactions take place at the thalamus, thalamus membrane of chloroplast,
thalamic membrane of chloroplast. That reaction काम होते हुए होती है thalamic membrane of chloroplast. Process of photosynthesis occurs in two phases. The first phase, sun energy is captured and used to make high energy molecules which are ATP and NADPH. So these reactions are called light reaction, and these light reactions take place at the thalamic membrane of chloroplast. Now the second phase is dark reaction. During the second phase, दूसरे मरहले में, during the second phase, carbon dioxide is reduced. Carbon dioxide is reduced. CO2 is reduced. Carbon dioxide को reduce किया जाता है. In second phase, carbon dioxide is reduced to make glucose. To make C6H12O6. To make glucose. In the second phase, CO2 is reduced to make glucose. दूसरे फेज में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाया जाता है. अब इसके लिए, इस फेज के लिए, इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कहां से आती है? इन रिएक्शन के लिए हमें सूरज की रोशनी मिल जाती है, रिएक्शन कराती है, इसमें एनर्जी होती है, लाइट रिएक्शन, सोलर एनर्जी जो है वो इसमें इस्तेमाल. अब डार्क रिएक्शन सेकंड फेज में, ये रिएक्शन जो होते हैं सेकंड फेज में, इनके लिए हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो लाइट प्रोड्यूस होती नहीं सेकंड रिएक्शन में. लाइट एनर्जी, सन एनर्जी इज नॉट यूज इन द सेकंड फेज. तो ये एनर्जी फिर हमें कहाँ से मिलती है? दिस एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड for this reaction comes from ATP and ADPH. High molecules which are formed in the first phase, energy from this molecule is used in this reaction. तो ये जो high energy molecule light reaction में बनते हैं, high energy molecule से एनर्जी हासिल करके दूसरे फेज में रिएक्शन होते हैं, ये इस्तेमाल होती है. इन दिस फेज द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी एंड एनएडीपीएच इज यूटिलाइज्ड. सिंस दीज रिएक्शन डू नॉट यूज लाइट डायरेक्टली, दीज रिएक्शन डू नॉट नीड लाइट एनर्जी डायरेक्टली, सो देयरफॉर दीज आर कॉल्ड डार्क रिएक्शन. इसलिए हम इनको डार्क रिएक्शन के, लाइट एनर्जी लाइट में जरूरत होती है, इसलिए हम इन रिएक्शन को क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन. तो ये है टू फेसेस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस. द फर्स्ट फेज इज लाइट रिएक्शन, सेकंड फेज इज डार्क रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में सन एनर्जी इज कैप्चर, दिस एनर्जी इज यूज टू मेक high energy molecules which are ATP and ADPH. So this process takes place on the thalamic membranes of the chlorophyll. In dark reaction, light is not directly used. Energy from the ATP and NADPH capture to perform this reaction, and in this reaction carbon dioxide is reduced to a glucose. Glucose is formed by the reduction of CO2. Now these reactions take place at the stroma of chloroplast.
at the stroma of chloroplast. Heart reaction takes place at the stroma of chloroplast. So this is all about the lecture of today. Wassalam.